हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज लेकर आया हूँ मैं एक और यहाँ पे सुपर मार्केट सिमुलेटर का पार्ट फिफ्थ। दोस्तों, तो जिसने भी अभी तक वीडियोस नहीं देखी है, आई बटन पर लिंक है, वहाँ जाके आप देख सकते हो कि मैंने एक छोटी सी दुकान को थोड़ा सा कितना ग्रो करा है, कैसे ग्रो करा है, वो भी बिना लोन के। दोस्तों, तो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है विदाउट लोन देखने की, तो प्लीज़ आई बटन पर लिंक है, आप लोग देख सकते हो कि मैं विदाउट लोन इस बिज़नेस को कैसे रन कर रहा हूँ, प्रॉफिट में रन कर रहा हूँ या लॉस में कर रहा हूँ। और दुकान जैसे मैंने की पिछली बार, मैंने अपग्रेड करी थी दुकान और एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था दोस्तों। तो वो इसलिए किया था क्योंकि मैं एक प्रॉफिट में निकल रहा हूँ और वो भी विदाउट लोन। तो देखता हूँ मैं कितने टाइम तक विदाउट लोन इसको रन कर पाता हूँ दोस्तों। और आज मैं देखता हूँ कि मैं आज इसमें क्या कर पाता हूँ। अब मे बी मैं आज इसको अपना एक नाम दे दूँ इस दुकान का, या देखते हैं अपन आगे की। वो तो जब तक आप वीडियोस देखोगे तभी पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ इसमें। तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग। तो यहाँ कंटिन्यू हमने कर दिया दोस्तों, और पिछली बार हमने यहीं पे छोड़ दिया था। $1299 अपन को प्रॉफिट में है, मतलब हमारी पॉकेट में है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास चौकी पाए ख़त्म हो गया है, तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कुछ है हमारे पास। नहीं लग सकता, एक पीस बचा था वो भी नहीं लग सकता, और ये भी नहीं लग सकता। तो यहाँ पे हमारे पानी की बोतल ख़त्म हो चुकी है, अंडे की ट्रे ख़त्म होने वाली है, दो ही पीस बचे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ पानी की बोतल और अंडे की ट्रे मंगानी है। यहाँ पे हमारे ये मंगाना है, ठीक है, एक पैकेट ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, मार्केट में गए हैं हम लोगों ने ऑलरेडी चीज़ें डाल रखी हैं, तो परचेस कर देते हैं फटाफट से आप पता, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले पास्ता उठाया, प्रॉफिट वाले पे चला रहा हूँ, वो भी विदाउट लोन। तो देखता हूँ कितनी आगे तक इसको चला पाता हूँ। तो एक मैं सोच रहा हूँ एक पैकेट सुसु का भी ले लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है वो ख़त्म हो जाए एंड टाइम पे, ठीक है। और चावलों का भी ले लेता हूँ, ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है एक सुसु और चावल का ले लेता हूँ पैकेट। यहाँ पे सुसु और ले लेना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। स्टॉक फुल रख दो, क्या जा रहा है अपना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें फुल हैं, बस यहाँ पे एक कम है, और यहाँ पे भी एक कम है, यहाँ पे फुल 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 फुल, यहाँ थोड़ा सा कम है, ठीक है। और ऑलमोस्ट दूध भी फुल ही समझ लो, और ये सब सब फुल है। तो नाउ हम दुकान ओपन कर लेते हैं, और थोड़ा सा हम सोच रहे हैं कि मार्केट से थोड़ी सी प्राइस बढ़ा लेते हैं, 6 कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा हमको, अच्छा लगेगा। यहाँ 7 रख देते हैं, ठीक है। ये जो है ये भी हम 7 कर देते हैं। देखो क्या है, जितना भी बिके कम से कम प्रॉफिट में बिके तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये जो है इसको 25 की जगह है हम 52 कर देते हैं, ठीक है ना। किसी किसी में कम, किसी किसी में ज़्यादा। तो चलो अभी इतना करते हैं, फिर और देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे दुकान ओपन करने के पहले ग्राहक दोस्तों, अच्छा
सॉल्ट आपको एक्सपेंसिव लग रहा है? कोई नहीं, ऑयल टू एक्सपेंसिव। अच्छा, अभी अभी तो प्राइस बढ़ाया है भाई, $1। थैंक यू मैडम। अच्छा, ये इनके प्राइस नहीं बढ़ाए तो। ओ हो भाई साहब, पूरा खुला पैसा तो हमसे ही ले रहे हो, क्या दिक्कतें हैं? तो आपको लगता है क्या कहते हैं, यही एक दुकान बची थी क्या जो उस पूरा खुला पैसा ले गई? दुकान ओपन हुई नहीं कि पूरा खुला पैसा यहाँ पे चाहिए सबको? थैंक यू सर। थैंक यू सर। आपको $2.04 देने हैं। थैंक यू सर। ओहो हसीन मैडम, आपको कुछ नहीं देना मैडम जी। थैंक यू सर। ओहो हो हो भाई, मज़ा बांध दिया भाई, मज़ा बांध दिया आपने तो। सबसे ज़्यादा आज के, अभी तक के मतलब। थैंक यू मैडम। ओके, क्या बात है, दूध दूध के ही ज़्यादा आ रहे हैं। ओके, थोड़ा सा प्राइस मेरे ख्याल से बढ़ा लें। इसको चलो इतना रखते हैं। कॉफ़ी का प्राइस हम 38 की जगह 55 कर देते हैं। ज़्यादा प्राइस नहीं, बट हाँ थोड़ा थोड़ा बेनिफिट में अगर बिकेगा तो अच्छा ही है। तो ये 8 ही कर देते हैं सीधा, और इसको जो है 12 की जगह 55 कर देते हैं, और इसको 22 की जगह 55 कर देते हैं। ठीक है, इतना अभी कर देते हैं। ओ सर जी, सॉरी 12 × 68। ओके थैंक यू सर। ओके, अरे रे रे रे, 20.69। ओके थैंक यू सर। ओरे वाह 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 वाह, आई थिंक ये प्राइस बढ़ाने से पहले का सारा ले लिया था। 38, आपको 38 चाहिए, $38.05। ओके थैंक यू सर। ओके कोई नहीं, अपन को तो ऑलमोस्टली जो बिकेगा ना, ओहो अब तक के सबसे हाईएस्ट, अरे हाईएस्ट ख़रीदारी करने वाले सर। ओ बस एक ही ऑयल, कोई नहीं, ज़्यादा एक्सपेंसिव है ना, कोई नहीं कोई नहीं। 19.45। ओके थैंक यू मैडम। 26 × 85, नाइस। ओहो मैडम जी, आई थिंक आपने पहले ही ले लिया था या प्राइस बढ़ने के बाद लिया है? क्योंकि प्राइस बढ़ने के बाद अगर लिया है तो अच्छी बात है, और प्राइस से पहले ले लिया था तो पूरी बात थी, प्रॉफिट हमें कम होगा। लेकिन भाई प्रॉफिट अच्छा हुआ है, मतलब ये तीसरी बार बदला है। इससे पहले एक सर आए थे, फिर वो ज़्यादा थे, फिर दूसरे सर आए थे वो भी ज़्यादा थे, लेकिन अभी ये जो गई ना मैडम, ये सबसे ज़्यादा थी। थैंक यू सर, बट ओके नाइस। बस खुले पूरे बहुत ज़्यादा चाहिए आपको, खुले भैया खुले ही खुले चाहिए आपको तो। ले लो भैया 35, कांट फाइंड। ओ मिल ख़त्म हो गया क्या? अभी कहाँ, अभी तो यार था मिल, कितनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गया? कोई नहीं, मंगा लेता हूँ। मैडम जी रुक जाइएगा, मैं पहले आपका ना मिल्क मंगाऊँगा, यहाँ पे मिल्क ख़त्म हो चुका है।
और देखना है फिलहाल तो मिल्क मंगा देता हूँ, लाइट जला देता हूँ यहाँ पे। मिल्क मंगा के फटाफट से अपन लोग रख देते हैं और देखते हैं कि कहते हैं और क्या क्या खाली हो गया है अपना, तो अपन वो भी मंगा लेंगे, ठीक है ना। पहले मैं देखूंगा कि मेरे पास अब फलार है तो फला लगा लेते हैं। ओके फलार, अंडे की ट्रे। ओके अंडे की ट्रे भी लगा दी। क्या है जो स्टॉक पे रखा है ना उसको पहले निपटा ले तो ज़्यादा बेटर है। ऑलरेडी मतलब जो हमारे पास रखा हुआ है उसको हम निपटा लें तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि वैसे भी दिन ख़त्म होने वाला ही है और इस समय कोई ऑर्डर आएगा नहीं। मतलब इस समय तो आ जाएगा लेकिन जब तक ऑर्डर करने जाऊंगा तब तक तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा टाइमिंग। तो इससे अच्छा यही है कि जो हमारे पास ऑलरेडी ऑर्डर में रखा हुआ है वो हम स्टॉक में लगा देते हैं, और ये जैसे लोग हैं तो ये लोग बाय कर लेंगे। वैसे ये लोग एक्चुअल में एक बार जो कर लेते हैं ना राउंड अप लगा लेते हैं तो वो दूसरा राउंड अप नहीं करते, मैंने ये एक चीज़ देखी है, ये दूसरा राउंड अप नहीं करते। दूसरा राउंड अप कर ले तो मज़ा ही आ जाएगा। जैसे चेकआउट फुल है दोस्तों, तो चेकआउट फुल है ना, तो देखो जैसे ये चेकआउट फुल हो चुका है तो आप वहाँ पे जा सकते हो चीज़ें लेने के लिए, लेकिन नहीं जाएंगे ये लोग। तो अभी हमारे पास वैसे ख़त्म क्या हो चुका है, यहाँ पे हनी ख़त्म हो चुका है दोस्तों, जो कि हम ऑर्डर नहीं कर सकते, और ऑयल दो ही बचे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है फ़िलहाल के लिए, तो हो ही जाएगा। ये शेल तो वैसे ही खाली था। अंडे की ट्रे वैसे ख़त्म ऑलमोस्ट ही है तो कल सुबह ही मंगा पाएंगे। थैंक यू मैडम, $23 × 80, थैंक यू मैडम। हाँ मानो मैं मिल्क आप लेकिन वहाँ पे जाते तो दोबारा जाती तो आपको मिल जाता, लेकिन हाँ सही है आप कहाँ जाती चेकआउट छोड़ के। ओहो नाइस नाइस नाइस, ये एक और बदल चुका है हमारा जो सबसे हाईएस्ट रैंक, तो आज के दिन की कम से कम ये चौथी हाईएस्ट रैंक वाली है जो सबसे ज़्यादा बाय किया है। ओके ये पांच भी हो चुकी है। फटाफट से बढ़ते जा रहे हैं यार, मज़ा आ गया। ये तो मतलब प्राइस भी बढ़ाया है मैंने तो, काफ़ी अच्छा कर दिया, तो पैसे भी मतलब ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। धन्यवाद मैडम जी आपका। हाँ 58 40। ओके 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 थैंक यू मैडम जी। हाँ पता है आप दोबारा चेकआउट के लिए जाती तब वहाँ जाती तो आपको मिल जाता, लेकिन आप कहाँ छोड़ के जाएंगी, आप कहाँ चेकआउट छोड़ के जाएंगी यहाँ से, एक बार आ गए तो आ गए ना। रियल लाइफ जैसा थोड़ी ना है कि हमने कह दिया कि अरे आ गया है सर जी मैडम जी, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकती हैं देख सकती हैं तो वहाँ से मंगा लें, लेकिन यहाँ पे हम मंगा नहीं पाएंगे ना। लेकिन देखेंगे आने वाली जो अपडेट्स हैं उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि एक बार यहाँ पे चेकआउट हो गया है तो क्या हुआ, अगर फुल है तो वापस जाके एक बार ट्राई करेंगे। ओके मैडम जी थैंक यू, आपको $5 24 देने हैं। नहीं नहीं ओके पीनट बटर ख़त्म हो चुका है पता है मैडम जी, थैंक यू। ओबे वाह वाह सही, देख रहा हूँ बस एक टी खरीदी है इसने, और भाई साहब इसको पूरा खुला पैसा हमको उससे चाहिए, फुल खुला पैसा चाहिए। बस टी खरीदने के लिए आया था, खुला पैसा करने के लिए, एक्चुअल में उसको खुले चाहिए थे, टी भी कुछ नहीं चाहिए था, खुला पैसा चाहिए था। थैंक यू मैडम। अब हाँ ठीक है पीनट बटर तो मिलेगा ही नहीं, क्या ही बोलूँगा मैं, मेरी गलती मैडम सर दी, पता है मेरे को। थैंक यू मैडम। उफ कितनी मेहनत है यार, फलार बिका ही नहीं, फलार को महंगा कर दिया था मैंने तो बिका ही नहीं, सुसु भी नहीं बिका, सुसु भी बिका लेकिन कम बिका क्योंकि महंगा है ना, महंगा आइटम हो गया। चलो ठीक है इसको इतना ही रखते हैं, इसको कितना रखें, ओके इसको
62 कर देते हैं, इसको 8 ही है, इसको कितना कर दिया है, 12 है ना, इसको 12 हटा के 44 कर देते हैं। जितना बिकेगा कम से कम प्रॉफिट में ज़्यादा जाएगा, ठीक है, तो इसको भी हम 55 कर देते हैं। शुगर को वैसे ही एक्सपेंसिव है, तो क्या हुआ, हम और एक्सपेंसिव बना देते हैं इसको, ठीक है, और एक्सपेंसिव बना देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ऑर्डर चेकआउट में डाल देते हैं, उसमें मतलब अपनी लिस्ट में डाल देते हैं, पीनट बटर डाल देते हैं, ऑयल डाल देते हैं, दोनों ऑयल और चाय कॉफ़ी ये सब डाल देते हैं, ठीक है। और तो सबसे पहले चाय कॉफ़ी राइस सॉल्ट पीनट बटर अंडे की ट्रे मिल्क ये सब हम ऑर्डर करने वाले हैं, और ये होगा हम कल। ऑयल दोनों तरह के हैं क्या? नहीं, ये वाला भी तो है। ओके ठीक है, दोनों तरह के ऑयल हो गए। पास्ता भी कर देते हैं, पास्ता भी कर दिया, ठीक है, पास्ता भी कर दिया। चलो आज हम यहीं पे दिन ख़त्म करते हैं और फटाफट से अपन लोग देखते हैं कितने प्रॉफिट में रहे या लॉस में रहे। तो प्रॉफिट में रहे हम 445 डॉलर, 59 सेंट के डॉलर में रहे, हम प्रॉफिट में रहे। 174 हमारा स्टोर पॉइंट, और 18 लोगों को एक्सपेंसिव लगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, जितना बिकेगा प्रॉफिट में बिके, अपन को लॉस नहीं चाहिए दोस्तों। तो नेक्स्ट करते हैं फटाफट से और हम ऑर्डर करते हैं। यहाँ पे फलार का प्राइस बढ़ चुका है, शुगर का प्राइस बढ़ चुका है, फलार ये रहा हमारा, तो फलार का प्राइस इतना हो चुका है ना, तो हम रख देते हैं 5.25, नहीं, 55। ओके फलार का प्राइस बढ़ चुका है, राइस का प्राइस बढ़ चुका है, तो हम इसको 45 की जगह 66 कर देते हैं, ठीक है। बाकी जिसका घटा है हम नहीं घटाने वाले, है ना, हम घटाएंगे नहीं, बढ़ाएंगे ज़रूर। तो फलार का हमने बढ़ा लिया, सूसू का भी हम बढ़ाते हैं, और ठीक है बाकी हम इसको ऑर्डर कर देते हैं यहाँ से। अब सुसु का थोड़ा सा प्राइस बढ़ा के देखते हैं कितना हमने रखा है। अच्छा इतना है ना, तो कोई नहीं, हम भी बढ़ा देते हैं, हम भी प्रॉफिट बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सो अरे ऑयल नहीं था क्या यहाँ पे? यार ऑयल मंगाया तो था मैंने, ऑयल नहीं मिला यार, ये कैसे हो सकता है? ऑयल मंगाया था मैंने, कोई नहीं, हो सकता है नहीं बुलाया, मंगाया हो। चलो ठीक है, ना 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 ना, देखो भाई ये देखो स्टॉक, देखो भाई साहब दुकान में स्टॉक देखो, ये सब प्रॉफिट में, मतलब ये सब विदाउट लोन है, विदाउट लोन सारा माल चल रहा है दोस्तों अभी के लिए। यहाँ दुकान ओपन करते हैं और इंतज़ार करते हैं, या वैसे इंतज़ार क्या करना, किसी को पकड़ के लेकर आते हैं। हेलो मैडम जी, हेलो मैडम जी, चलो 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 दुकान पे आ जाइए, मैंने अभी अभी जस्ट को ओपन करी है, प्लीज़ आ जाइए आ जाइए। ओहो ये चली आ गई हमारी, मतलब देखा बोलते से ही आ गई, ये होता है फ़ायदा। दूध पानी, ओके बढ़िया बढ़िया मैडम जी बढ़िया, दिन की शुरुआत बहुत अच्छी कर रही हैं आप, आपके मतलब शुभ आपसे।
अच्छा, ऑलिव ऑयल आपको एक्सपेंसिव लगा? कोई नहीं, ले लेते हैं यार, क्या ही एक्सपेंसिव है, ले लीजिए ना मैडम। ओके, 29। अभी इतना सारा लेने के बाद इतना सा प्रॉफिट हुआ, ये कैसे पॉसिबल था यार। ओके, आपको $4 देना है 32 सेंट्स में। वैसे गलत बात हो गई यार, मेरे साथ चोट हो गई। इतना सारा प्रॉफिट ले मतलब लेने के बाद सामान इतना कम कैसे हो सकता है। थैंक यू सर। तो मुझे लगता है चीज़ मंगा लेना चाहिए, चीज़ ख़त्म ही हो रहा है। थैंक यू मैडम, चीज़ मुझे लगता है मंगा लेना चाहिए, चीज़ ऑर्डर है नहीं अभी, तो चीज़ भी मंगा ही लिए हम, फटाफट से चीज़ लगा लेते हैं। चीज़ का पैकेट था क्या? नहीं, चीज़ का पैकेट तो नहीं था। कोई नहीं, चीज़ का पैकेट नहीं था। थैंक यू मैडम। 19.24। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। ओके, पीनट बटर नहीं है, पीनट बटर नहीं है। पास्ता 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 रे, पास्ता रे, ओ पास्ता रे। अभी तक सॉल्ट नहीं बिका, फलार भी नहीं बिका है भाई, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। अरे रे रे, आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। ओ थैंक यू मैडम, इतना सारा लेने के लिए भाई, मज़ा बांध दिया आपने तो। देखते हैं कितना लेकिन प्रॉफिट होगा यार। ओ नाइस नाइस, आज के दिन का सबसे ज़्यादा, आज के दिन का मतलब अभी तक तो सवेरा सवेरा का सबसे ज़्यादा है, पहले ग्राहक हो सबसे हाईएस्ट वाले आज के दिन के। ओ नाइस नाइस, 33.06। थैंक यू मैडम। $2 आपको वापस करना है, 95 सेंट्स। ओके थैंक यू सर। 32 × 34। अरे रे 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 रे, $3 नहीं है भाई, 32 है, 32 डॉलर, 34। हाँ अब है ना, करेक्ट, 60 डॉलर। थैंक यू मैडम। इतना महंगा था कि भाई सिर्फ एक ही पैकेट लेके जा पाए। आपको क्या चाहिए? 79 डॉलर, 95। थैंक यू सर। आपको चाहिए 73। थैंक यू सर। दो चीज़ के डिब्बे, 8 रुपये, $8.44। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम। ओहो नाइस नाइस, दूसरे ग्राहक सबसे हाईएस्ट अभी तक के। थैंक यू सर। कुछ नहीं देना आपको। थैंक यू सर। पीनट बटर मंगाना है भाई, पीनट बटर, पीनट बटर, पीनट बटर, पीनट बटर, पीनट बटर, पीनट बटर, पीनट बटर ख़त्म, पीनट बटर ख़त्म। फिलहाल तो मुझे सामने सही दिख गया। अबे रे रे रे, चौकी पाई भी ख़त्म। यहाँ पे चौकी पाए ब्रेड ख़त्म, चौकी पाए ब्रेड, ब्रेड 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 ब्रेड, और हाँ चौकी पाए और ब्रेड,
ओके, चौकी पाए और ब्रेड, चौकी पाए और ब्रेड, चौकी पाए, चौकी पाए, चौकी पाए, चौकी पाए, चौकी पाए, ब्रेड। चलो 2 पैकेट मंगा लेते हैं यार। ओके, चौकी पाए, 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 चौकी पाए। अरे रुक जा, आतंकाएं फैला रहे हो। अरे कहाँ फंस गया मैं? ब्रेड नहीं, चौकी पाए। ओके 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 भाई, कुछ नहीं दिख रहा मेरे को, अंधेरा हो गया है, सब कुछ अंधेरा। एक फटाफट से इतनी जल्दी, अरे फलार खत्म, फलार खत्म, फलार खत्म। ओए यहाँ से क्या चोरी की है किसी ने? इधर से कहाँ से गए यार? इधर 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 कैसे खत्म हो गए फलार? इधर कैसे फलार खत्म हो गए यार? इधर तो फुल पैकेट रखे थे। चोर हो गई, चोरी कर दी यही, चोरी कर ली यहाँ से। भैया मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मैं तो लुट गया भैया, मैं लुट गया। यहाँ से भी चोरी कर गए, फुल पैकेट रखा था ये तो। भैया लूट दिया इन लोगों ने, लूट लिया। 77 सेंस। थैंक यू मैडम। हाँ पता है, चेकआउट फुल है यार। स्टॉक भी तो लगा रहा था, स्टॉक भी तो मेरे को ही लगाना है, और कौन आएगा लगाने? थैंक यू सर। तब तक आप और ले लो ना सामान, और सामान ले लो। चेकआउट फुल है तो क्या हुआ, आप और सामान ले सकते हो ना, आपके लिए तो बेनिफिट ही है। 9:55। थैंक यू सर। अरे वाह 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 यार, ये तो मज़ेदार। ओ भाई 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 भाई, ये है भाई आज के दिन की सबसे हाईएस्ट सेलिंग वाली मैडम, हाईएस्ट शॉपिंग करने वाली मैडम। थैंक यू, थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम, इतनी हाईएस्ट शॉपिंग करने के लिए। दिन की एंड होते होते सबसे हाईएस्ट हो चुका है। थैंक यू सर मैडम, आपको 79 देने हैं। थैंक यू सर। हाँ पता है, ख़त्म हो गया, किसी ने मेरा पूरा पैकेट चुरा लिया, मुझे पूरा पैकेट चुरा लिया। मैं क्या करूँ अब, मेरे को पूरा लूट लिया उन लोगों ने यार, पता नहीं कहाँ से चुरा लिया। और कौन कहाँ था, कौन था बंदा, कहाँ गया ये भी नहीं पता। थैंक यू मैडम, चीज़ ख़त्म। अरे चीज़ अभी तो मंगाई थी। अच्छा चीज़ ख़त्म, हाँ चीज़ मंगाई थी लेकिन आई थिंक मैंने लगा ही नहीं। थैंक यू मैडम, $1। थैंक यू सर, आपको भी कैश 68। थैंक यू सर। अरे इधर ही तो था यार, देख रहे हो, सब लगा रखा था, सब चला गया मेरा। ब्रेड 1 पैकेट यहाँ है। अरे चौकी पाए खत्म था क्या अभी? भाई ये क्या है, फलार। ओके ये पैकेट गया खत्म। अभी से क्या है, रात में ही स्टॉक भर दो, थोड़ा सा पता पड़ जाए कि मेरे पास कितने डिब्बे थे, कितने डिब्बे खाली हुए हैं, कौन कौन से खाली हो गए। देखो पीनट बटर ये रखा था, अच्छा ये तो पहले ही रखा था। ये देखो चीज़ ये रहा, मैंने मंगा रखा था चीज़, लेकिन स्टॉक ही नहीं कर पाया मैं। दूध यहाँ पे रख लेते हैं। ओके शुगर नहीं है, पूरा पड़ा शुगर है तो।
कॉफ़ी, ये देखो कॉफ़ी ख़त्म है, और कॉफ़ी यहाँ पे पूरा पैकेट रखा था, मतलब ऑलमोस्ट पूरा पैकेट था यार। राइस, चाय पत्ती, ऑयल, देख रहे हो रखा था, लेकिन क्या करूं स्टॉक भी नहीं लगा पाया। चलो ठीक है, अब इस इन्हें उठा लेता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ, कोई चोरी नहीं करेगा, मैं अपने पास रखूँगा इधर। चलो दोस्तों, आज के दिन यहीं पे समाप्त करते हैं, और अपन करते हैं इसको दूसरे दिन, देखते हैं कितना प्रॉफिट रहा। तो यहाँ पे हमको कहते हैं सप्लाई कॉस्ट निकल चुका है इतना, उसके बाद रेंट भी चला गया, बिल भी चला गया, और 412 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ है। चलो कोई नहीं, कम से कम प्रॉफिट तो हुआ ना। 27 लोगों को एक्सपेंसिव लगा, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम प्रॉफिट में है 14 लोग। चलो नेक्स्ट डे यहाँ पे मिल्क का प्राइस बढ़ चुका है, तो मिल्क का प्राइस देखें, कम जिसका हुआ है हम कम पे तो ध्यान ही नहीं देने वाले। ओके, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 88, कम प्रॉफिट बट हाँ ठीक है। ओके कम प्रॉफिट है बट हाँ प्रॉफिट है। तो यहाँ पे देखो चौकी पाई हमें बुलाना नहीं, हमें ब्रेड मंगानी नहीं, फलार हम मंगा रहे हैं, ऑयल आई थिंक ये हमारे पास पहले से ही नहीं है, तो कर दिया। सुसु सुसु भी है, चलो मंगा ही लेते हैं यार, सुसु भी मंगा लिया, पानी की बोतल, चीज़, कॉफ़ी, अंडे, दूध है अभी, मिल्क सॉरी टी थी, सभी मंगा लेते हैं यार, एक एक पैकेट सभी का मंगा लेते हैं। ठीक है अभी तो मनी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन हम ना सब यहाँ अपने पास रखेंगे, जो आएगा पता लगेगा कि भैया इस बंदे ने चुराया है। वरना ऐसे पता ही नहीं लगता हमें कि किस बंदे ने चुराया है, बंती ने चुराया। वैसे 2 बचे हैं, क्यों ही रखूं, लगा देता हूँ इधर भी। इधर भी लगा ही देता हूँ यार, जो बच्चा है वो भी चला ही जाएगा ना, क्या दिक्कत है। चौकी पाई भी लगा देता हूँ, एटलीस्ट रैंक रखा है हमारे पास, तो क्यों ना हम उसका इस्तेमाल करें। खाली है, इससे अच्छा स्टॉक उसमें रखे नहीं, इससे अच्छा है इसमें ही लगा देते हैं ना। अंडे की ट्रे, अब फ्रिज तो हमारे पास दो दो है, नहीं तो वो तो स्टॉक पे रखे रहेंगे। चलो
चलो ब्रेड भी लगाते हैं ना, क्योंकि देखो स्टॉक तो है ही अपने पास। फालतू में रिफिल करने का दिक्कत होती है इसलिए किया नहीं। और एक सुसु भी लगा ही देते हैं ना। चीज खत्म होने वाला था, कोई नहीं, अच्छी बात है, नहीं जरूरत, मैं मतलब मैं मंगा लिया, कोई ना, पास्ता की तो जरूरत है, पास्ता रख देते हैं और इधर भी रख देते हैं। ठीक है, तो रख दिए मैंने क्योंकि खाली जगह हो रही थी और यहाँ पे भी स्टॉक रखा हुआ था हमारा, तो इसलिए हमने रख दिया जो जो हम रख पा रहे थे। बाकी अब हम दुकान ओपन करते हैं, या चलो एक काम करते हैं, आज ना हम एक नई चीज़ करते हैं। तो यहाँ पे जाके मैनेजमेंट में जाएंगे, कस्टोमाइज में जाएंगे और स्टोर का नाम चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सुपरमार्केट की जगह है, यहाँ रख देते हैं हम काके टी दुकान। तो यहाँ पे थोड़ा सा ओके कर लेते हैं। अच्छा, टेक्स कलर भी बदल सकते हैं, तो टेक्स का कलर क्या रखें भाई, कुछ तो यहाँ पे हम हटाते हैं इसको और बाहर से देखते हैं। फिलहाल हम इसको ओपन करके इधर दूर से देखते हैं कैसी लग रही है हमारी दुकान का नाम। तो यहाँ लिखा है काके दी दुकान, नाम बढ़िया लग रहा है यार, कुछ भी कहो मस्त लग रहा है। और इसी तरीके से हमारी मैडम एक अंदर घुस चुकी हैं जो कि सेल करेंगी। ओहो अच्छा, इधर की जगह इधर से ही ब्रेड, कोई नहीं कोई नहीं, वैसे ऑयल वहाँ भी रखा हुआ था, लेकिन वहाँ की जगह यहाँ से लिया, सही है, कोई नहीं। आई थिंक वॉक भी तो ज़रूरी है ना, इन लोगों को वॉक भी ज़रूरी है। थैंक यू मैडम। अरे वाह यार, इतना सारा सामान, सुबह सुबह पहला ग्राहक, नाइस यार, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैडम। एक ही फला, एक ही पास्ता, सॉरी, कोई ना, शुरुआत तो अच्छी गई ना हमारी मैडम के हाथों से, एक लेडीज़ के हाथों से शुरुआत तो अच्छी गई। जब दिन की शुरुआत एक लेडीज़ के हाथों हो जाए तो मज़ा ही आ जाता है, अच्छी शॉपिंग अच्छी हो जाता है पूरा दिन। थैंक यू मैडम। तो अब लग रहा ना भाई दुकान भरी भरी सी, मतलब वो रैक खाली लग रहा था बार बार, और मैं फालतू का यहाँ पे स्टॉक रख रहा था बेमतलब का, तो इससे अच्छा मैंने यहाँ लगा ही दिया। थैंक यू मैडम इतना सारा शॉपिंग करने के लिए। भाई 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 भाई, ये दूसरी ग्राहक है हमारी सुबह की जो कि हाईएस्ट प्राइस में है, मतलब सेकंड हाईएस्ट, फर्स्ट तो वो थी। आपको चाहिए 70 पैसे। थैंक यू मैडम। ओहो मैडम, ब्लैक ड्रेस पे अच्छी लग रही हो आप, लेकिन आप पे ना वो ब्लू ड्रेस ज़्यादा अच्छी सच लगती है।
थैंक यू मैडम, थैंक यू सर, $40, बढ़िया बढ़िया, आपने भी अच्छी शॉपिंग करी है, $8.08, थैंक यू सर। ओहो बहुत 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 सही, बहुत सही, बहुत सही, ओ बहुत सही भाई, बहुत सही, दूसरे हाईएस्ट आज के भाई, सुबह सुबह के सबसे हाईएस्ट दूसरे बने हुए हैं ये। इतनी जल्दी कपड़े भी बदल के आ गई मैडम, मैंने कहा आप पे ब्लू ड्रेस ज़्यादा अच्छी लगती है तो आपने तुरंत ब्लू ड्रेस पहन ली। वाह थैंक यू मैडम, इतनी बात मानने के लिए हमारे लिए, थैंक यू लिटरली थैंक यू मैडम। तो आपने 48, ओके $30, थैंक यू मैडम, एक तो बात मानने के लिए भी और दूसरा बहुत अच्छी शॉपिंग करने के लिए भी। तो यहाँ पे $1.90, थैंक यू सर, थैंक यू मैडम, अच्छी शॉपिंग करने के लिए, थैंक यू मैडम, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, 0.80, थैंक यू सर, ओके ओके फाइनली ओके, 41 × 17 पैसे, थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम, $2 आपको देने हैं, 99 भाई साहब, सेंस ज़्यादा है, थैंक यू मैडम, ओह थैंक यू सर, अच्छी शॉपिंग के लिए, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, ओके थैंक यू, $60, थैंक यू सर, ओह थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, 24, थैंक यू सर, ओहो मैडम जी, फिर से ड्रेस नाइस, इस ये वाली और ज़्यादा अच्छी लगती है आप पे, ये वाली ड्रेस आप पे और अच्छी लगती है मैडम, थैंक यू सर, 18, $72, थैंक यू सर, 45, थैंक यू सर, थैंक यू मैं सर, $18, अरे तेरी, $18 × 10 cents, थैंक यू सर, ओ मैडम जी थैंक यू, आपको चाहिए $44, नहीं, $44, 45 cents, थैंक यू मैडम, अरे रुक जाओ लाइट जला दूँ और यहाँ पे भी देख लेता हूँ बोतल, ओके नॉट ज़्यादा बोतल, चाय पत्ती, ये पूरी खाली चाय पत्ती, और ये वाला जो है, ओके 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 ओके, अंडे ऑलमोस्ट ख़त्म ही थे भाई, एक ही पैकेट बचा था, अंडे का भी शुरू हो जाते सबके सब, जितने भी मतलब नए आते, चीज़, कह आते कहाँ भी, ओ यार सॉल्ट अभी तक नहीं बिका, एक भी सॉल्ट नहीं बिका है भाई, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है सब लोगों को कि सॉल्ट बिका ही नहीं, जबकि सबसे ज़्यादा तो नेसेसरी होता है वो, तो वैसे और क्या बिक चुक ख़त्म हो चुका है, फलार ख़त्म हो चुका है मेरा, मतलब एक बचा है फलार के लिए, पास्ता ख़त्म हो चुका है, हाँ पास्ता ख़त्म हो चुका है, ठीक है पास्ता नहीं बचा यहाँ पे, और ये क्या था, मैट सर जी हटेंगे, नहीं अच्छा कुछ भी नहीं था, अच्छा उधर कुछ भी नहीं था,
ये कॉफ़ी थी, जो कॉफ़ी तो अभी है, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट फलार ख़त्म हो चुका है, और पास्ता, मतलब पास्ता तो ख़त्म ही हो चुका है और फलार एक बचा है जो कि मे बी अभी ख़त्म हो जाएगा। 38 सेंस देने ना आपको। थैंक यू सर। ओह वेरी 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 बाय, बहुत 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 सही, बहुत सही, बहुत खूब। 96, मतलब दिन ख़त्म होते होते बहुत बड़ी ज़्यादा शॉपिंग कर ली, सबसे टॉप वन पे आ गई, इतनी हाईएस्ट शॉपिंग कर ली ने, हाईएस्ट सेलर सेलिंग वाली बन चुकी हैं। $6, अरे कहाँ यार, $6.19 देने हैं, तू कहाँ आगे बढ़ा हुआ है। पास्ता ख़त्म, हाँ मैडम सर जी का पास्ता ख़त्म, ऑर्डर ही नहीं है क्या, मतलब इधर ही नहीं है स्टॉक पे, ख़त्म हो गया। 20, थैंक यू सर। 33 आपको देने हैं, लो। अरे नहीं, 53 देने हैं भाई भाई भाई। थैंक यू मैडम, मैं 33 समझा था। थैंक यू सर। ओहो, नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही भाई, बहुत सही। ये पहले बन चुके हैं भाई, पहले 69, मतलब टॉप सेलिंग में से आ चुके हैं, हमारे टॉप कस्टमर में से। आपको देने हैं 57 सेंस। थैंक यू सर। $16.45। थैंक यू मैडम। क्या ये चिंदी चिंदी से यार, कहाँ वो कितने ज़्यादा ज़्यादा मंग खरीद रहे हैं, तुम भी खरीद लो ज़्यादा ज़्यादा यार। थैंक यू सर। हाँ पास्ता ख़त्म हो चुका है, पता है इस बात का, पास्ता ख़त्म हो चुका और दूध भी ख़त्म हो चुका है, एक साइड से पास्ता लगा देते, पास्ता की वो ख़त्म हो चुकी है। अच्छा दोनों साइड से पास्ता ख़त्म हो चुका है, पानी की बोतल तो एक आती खाली हुई होगी, हाँ एक ही खाली हुई है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले दूध, ब्रेड नहीं, और ये भी नहीं, कॉफ़ी भी नहीं, तो ओके, पास्ता फलार, पास्ता फलार, ऑयल, पास्ता मंगा लेते हैं 2 पैकेट, पलार के 2 पैकेट, ऑयल, हाँ तो अरे प्रोडक्ट, हाँ यार प्रोडक्ट, दूध ये, और क्या था, ऑयल, पास्ता 2 पैकेट कर दूंगा, फलाहार के भी 2 पैकेट कर दूंगा, तो फलाहार 2 पैकेट, पास्ता 2 पैकेट, और कल सुबह ऑर्डर कर, उठते सही ऑर्डर करेंगे हम, ठीक है। तो दोस्तों अपन इसको नेक्स्ट करते हैं, और यहाँ पे दोस्तों हमारे इनकम हो चुकी है आज की, 966 डॉलर की इनकम हुई है आज के दिन की, जिसमें से सप्लाई कॉस्ट इतना रहा, कस्टमाइज किया हमने तो वो भी रहा, ऊपर से हमने जो रेंट थे वो भी, बिल भी, सब पे करने के बाद $300 में $1 कम है, पूरा उसमें प्रॉफिट रहा दोस्तों हमको। और 39 लोग उन्होंने बोला बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन कोई नहीं, 11 लोगों ने सेटिस्फाई है, हमें चलेगा, हमें प्रॉफिट चाहिए, सिर्फ प्रॉफिट और कुछ नहीं।
तो नेक्स्ट डे करते हैं यहाँ पे दोस्तों। और नेक्स्ट डे दोस्तों हम कल करेंगे, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं दोस्तों वीडियो को। और वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। और अभी तक जितने पार्ट्स नहीं देखे हैं या वो कॉन्ग वाली सीरीज़ नहीं देखी है या फिर आपने WWE की नहीं देखी है, कमला नहीं देखी है, तो दोस्तों आई बटन पे लिंक है, आप लोग वहां जाके देख सकते हो और एंजॉय कर सकते हो गेम प्ले के। बहुत बढ़िया बढ़िया गेम्स हैं दोस्तों, बहुत मेहनत से गेम्स वीडियोस बनाई हैं 4K लेवल की। तो एक बार चेकआउट करो, वीडियो को अच्छी लगे लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो दोस्तों, सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और दोस्तों ये सारी जितनी भी मैं अभी तक प्रॉफिट में आया हूँ, जो भी सामान लिया है, सब के सब दोस्तों विदाउट लोन है। तो थोड़ा प्यार दीजिएगा इस सीरीज़ को दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत से इसको शॉप को बड़ा कर रहा हूँ, धीरे 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 बड़ा कर रहा हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि मैं लोन नहीं लूँ और जितना भी हो सके मैं विदाउट लोन प्रॉफिट करूँ, बड़ी शॉप खोलूँ। तो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए उसमें। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, प्लीज़ दोस्तों इतना सपोर्ट दे देना। और मैं देखता हूँ विदाउट लोन इसको कितना आगे तक पहुँचा सकता हूँ दोस्तों, तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।